नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो पूरा आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें हम लोग स्थिर वैद्युतकी की बात करने वाले हैं। और क्या होता है स्थिर वैद्युतकी और क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतकी, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है, अगर हम इसी शब्द को समझें तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि दो चीजें हैं। स्थिर का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल, अगर वो कोई भी कण, अगर वो नहीं चल रहा है, अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है, एक ही स्थान पर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिर। ठीक है, तो स्थिर आप समझ ही गए होंगे, स्थिर का कुछ मुझे सेंस लिखने की जरूरत नहीं है। विद्युत की जो शब्द है यहाँ पे, इसको हम किस रूप में देखते हैं, तो इसको हम देखते हैं आवेश के रूप में। ठीक है, तो विद्युत की यानी कि आवेश, तो आवेश के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका जो सेंस लगाते हैं, इसका जो अर्थ लगाते हैं, वो आवेश से ही लगाते हैं। तो इसका तात्पर्य हो गया कि आवेश स्थिर अवस्था में अगर है, तो उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत आती है। ठीक है, यदि यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश स्थिर है, तो संबंधित सभी घटनाएं, संबंधित सभी घटनाएं स्थिर वैद्युतकी में आती हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां से ही हमें समझ में आ जाता है कि आवेश से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, आवेश को समझना पड़ेगा। तो हम पहला जो हमारा लक्ष्य है वो किसको समझना है, आवेश को समझना है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश इतना ज्यादा जरूरी है हमें समझना, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। इसको समझना इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जब विद्युत स्थैतिकी पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युत की पढ़ते हैं, या फिर आप चुंबकत्व को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से संबंधित है। जब आप विद्युत चालन में जाते हैं अगले चैप्टर में, तो वो कहीं ना कहीं आवेश से ही संबंधित है। इसीलिए हमें आवेश को सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आवेश आखिर है क्या? तो आपने शुरू में ही पढ़ा था, आपने कभी अगर ध्यान से पढ़ा हो पदार्थ के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो ठीक ऐसे ही उन छोटे कणों में भी एक सूक्ष्म कण की अगर हम बात करें, छोटे से कण की बात करें, तो वो उसका आवेश हो सकता है। किसी भी, आपने पढ़ा होगा पदार्थ की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है, परमाणु। और परमाणु की जो मूल इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की मूल इकाई क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपकी निकल के आ जाती है। तो परमाणु की मूल इकाई, परमाणु की मूल इकाई आवेश है। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर कई सारे अणु होते हैं और अणुओं के अंदर परमाणु होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु किन किन से मिलकर बना है, तो वो आवेशों से मिलकर बना है, चाहे वो आपका प्रोटॉन हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इनसे ही मिलकर बना है। तो एक अगर हम किसी परमाणु की बात करें, तो उसके भीतर आपका क्या रहता है, नाभिक, और नाभिक के भीतर क्या रहता है, धनावेश, और इसके चारों ओर कौन इलेक्ट्रॉन, कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, जो कि क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ये आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं, प्लस और माइनस, ये दोनों ही क्या है, आवेश है। इसको हम क्या बोलेंगे, आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, अब यहां पे एक चीज तो आपको समझ में आ गई, लेकिन ये आया कहां से, कैसे सबसे पहले इसके बारे में पता चला? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है। 2500 वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम आपने सुना ही होगा, थेल्स। थेल्स नाम आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और चर्चा होती रहती है। फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये चर्चा होती रहती है। तो 2500 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, जिनका नाम थेल्स था। तो उन्होंने अंबर नाम का एक पदार्थ था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंबर। और ये जो पदार्थ है, इसी से इसका नाम भी पड़ा। ठीक है, अंबर को यूनानी भाषा में जो है
वो इलेक्ट्रो कुछ नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए वहीं से इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इस तरीके से हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अंबर था, तो अंबर धातु को पदार्थ को किससे रगड़ा इन्होंने? ऊन से रगड़ा। ठीक है, अंबर पदार्थ को ऊन के टुकड़े से रगड़ा, ऊन से रगड़ने पर, ऊन से रगड़ने पर थेल्स ने क्या पाया? मैं इसको केवल अंडरलाइन कर देता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। थेल्स ने क्या पाया कि इनको जब हमने रगड़ा आपस में, तो ये क्या छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े थे उनको आपस में क्या करने लगते, और उनको खींचने लगते थे अपनी ओर, उनको आकर्षित करने लग रहे थे। यही चीज आप जब आपने देखा होगा खेल खेल में, जब आप पेन को, प्लास्टिक का पेन है, आपको सूखे बालों से रगड़ते हो, या फिर कंघी है उसको सूखे बालों से रगड़ते हो, या स्केल है आपके पास उसको सूखे बालों से रगड़ते हो, तो वो क्या करने लगता है? छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े हैं उनको आकर्षित करने लगता है। ठीक यही घटना थी, है ना? अंबर जब पदार्थ को उनके टुकड़े से रगड़ा जाता है, तो वो भी क्या करने लगता है? छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, तिनके हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ये गुण कहाँ से आया? ये इसके बारे में थेल्स ने नहीं बताया था, लेकिन ये गुण सबसे पहले देखा किसने? तो वो थेल्स ने देखा, तो इसीलिए इसका जिक्र मैंने कर दिया यहाँ पे। इसका जो पूरा प्रकरण है मैंने आपके सामने रख दिया। उसके बाद 2000 वर्षों तक इसमें कोई भी, इसको किसी ने भी महत्व नहीं दिया, लेकिन 1600 ईस्वी में, ठीक है, ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, सन 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। ठीक है, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने इस पर पूरा एक स्टडी की, और उन्होंने ऐसे ही जैसे अंबर पदार्थ है इसको उनके टुकड़े से रगड़ा गया था, ठीक ऐसे ही उन्होंने भी कुछ पदार्थ लिए। जैसे नंबर एक कांच, कांच का टुकड़ा लिया उन्होंने, आबनूस हो सकता है, ठीक है, आबनूस बोलते हैं इसको, आबनूस हो सकता है, या गंधक है, या लाख है। तो इनको जब आपस में लेकर रगड़ा, तो उन्होंने भी अलग अलग चीजें देखी, अलग अलग चीजों को उन्होंने क्या किया, प्रेक्षित किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ जो थे ये इस टाइप के, जो ये लिखे हुए हैं कांच है, आबनूस है, गंधक है, लाख है, तो ये क्या करने लग रहे थे? ये भी हल्की हल्की जो वस्तुएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, एक चीज स्पष्ट हो गई कि इन पदार्थों में ये जो गुण है वो किसके कारण आया? घर्षण के कारण आया। ये जो गुण आया इनमें वो किसके कारण आया? घर्षण के कारण आया, या फिर रगड़न के कारण आया, इसको हम कह सकते हैं रगड़न के कारण ये गुण आया। जब तक हमने रगड़ा नहीं था तब तक तो वो गुण देखने को मिला नहीं। ठीक है, अब इस गुण के को प्राप्त कर लेने पर जो पदार्थ है वो क्या हो रहा था? वो विद्युत में पदार्थ कहला रहा था। ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रिफाइड हो जा रहा था। तो इस गुण को जो पदार्थ प्राप्त कर ले रहा था, जो पदार्थों को, अन्य पदार्थों को, छोटे छोटे हल्के हल्के जो पदार्थ है उनको आकर्षित करने लग रहा था, तो उस पदार्थ को हमने क्या कह दिया? उसको हमने कह दिया कि ये विद्युत में पदार्थ है, यानी कि इलेक्ट्रिफाइड पदार्थ है। और इसका जो कारण है वो क्या कारण है? कि ये घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अगर ये इलेक्ट्रिफाइड है तो ये किसके कारण उत्पन्न हुआ होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण उत्पन्न हुआ, यानी कि विद्युत धारा, विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो जिस कारण ये उत्पन्न हुआ उसका वह गुण क्या कहलाने लगा? उसको हमने कह दिया विद्युत। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जो पदार्थ अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, विद्युतमय पदार्थ कहलाता है। विद्युतमय, और इसको मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, विद्युतमय पदार्थ कहलाता है, विद्युतमय पदार्थ कहलाता है। अब ये विद्युतमय पदार्थ आप समझ गए, जिसके कारण ये विद्युतमय पदार्थ कहलाया उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक है, और जिसके कारण यह है, जिसके कारण यह गुण
उत्पन्न होता है उसे विद्युत कहते हैं, ठीक है, जिसे जिसके कारण यह गुण उत्पन्न हुआ उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही आवेश की बात, छोटी छोटी बात लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, काफी आवश्यक आपका जानना। अब इसमें जो विद्युतमय पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं, आवेशित पदार्थ कहते हैं या चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। अब दो प्रकार के पदार्थ होते हैं ऐसा 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, तो 1750, तो ज्यादा गिलबर्ट भी इसके बारे में ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे कि ये जो आवेश होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। हालांकि उन्होंने गुण पूरा इन्होंने अध्ययन किया था, गुण के बारे में इन्होंने हर एक चीज को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, इनका नाम भी काफी स्मरणीय है, बहुत लोग इनको याद रखते हैं, और भौतिकी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पूरी घटना को, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक नया रुख दिया और अपना अपनी थ्योरी सामने रखी, और उन्होंने कहा कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। और उन्होंने कहा कि एक तो हो सकते हैं धनावेश और दूसरे हो सकते हैं ऋणावेश, ठीक है, एक हो सकते हैं धनावेश और दूसरे हो सकते हैं ऋणावेश। अब धनावेश किनको कहेंगे और ऋणावेश किनको कहेंगे, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि इसमें से जो मूल आवेश है वो पदार्थ में से निकला है या पदार्थ में प्रवेश किया है उसने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल आवेश की, ठीक है। तो मूल आवेश आखिर होता क्या है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मूल आवेश, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, ठीक है, समझिएगा। मूल आवेश जिसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज, तो आवेश आपने समझ लिया एक छोटी सी इकाई है, ठीक है, एक छोटी सी इकाई है किसी भी परमाणु की, उसको हम आवेश कहेंगे। अब मूल आवेश जो कि आवेशों में सबसे छोटा है, ठीक है, आवेशों के अंदर सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम क्या कहेंगे, मूल आवेश कहेंगे। तो आवेशों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, मूल आवेश कहलाएगी। और इसमें किसको हम मानते हैं, तो जो सबसे छोटा है वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ये इस पर चार्ज होता है। तो सबसे सूक्ष्मतम जो आवेश है मूल आवेश उसको हम कहेंगे, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हालांकि प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम का इतना ही इस पर भी आवेश होता है, किंतु अगर हम इनके भार की बात करें, इनके द्रव्यमान की बात करें, तो सबसे कम द्रव्यमान होता है m की अगर हम बात करें, ये हो गया इसका चार्ज, ठीक है, आवेश, यहाँ पे हम आवेश ले लेते हैं कि उसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं साधारणता, और ये द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान सबसे कम किसका होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, या 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है। तो आप खुद ही तुलना करवा के देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम है, इसीलिए सबसे हल्का जो आवेश माना जाता है वो किसे माना जाता है, इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। तो मूल आवेश हम किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को। और परमाणु की अगर आपने देखा होगा, परमाणु का अभी आपने देखा होगा, तो परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित हो सकता है, बाकी और कोई भी स्थानांतरित नहीं हो सकता। तो अगर किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है या ठोका पीटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, ऋण आवेश लगाया। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश को संजोए हुए हैं। तो अगर किसी भी पदार्थ से वो स्थानांतरित होते हैं तो वो ऋण आवेश को साथ लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस पदार्थ में वो जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उस पर ऋणात्मकता अधिक होगी, धनात्मकता कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी संगति बुरी है,
तो वो अगर कहीं पे जाता है तो अपनी संगति को साथ लेके जाता है, तो वो अपनी जो दुस्संगति है उसको दूसरे के अंदर बहुत जल्दी छोड़ देगा, है ना। सेम ऐसे ही ये इसके साथ भी होता है कि नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, ऋणात्मकता इसकी ज्यादा है, तो अगर ये किसी पदार्थ में जाएगा तो ऋण आवेश को साथ लेके जाएगा और उस पदार्थ को भी क्या कर देगा, ऋणावेशित कर देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत? तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आपको समझाता है कि यदि किसी भी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाते हैं तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, उसमें धनावेश, ठीक है, दो प्रकार के आपने लिखे थे अभी आवेश, एक धनावेश थे और एक ऋणावेश थे। तो आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यह बताता है कि यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की पदार्थ में कमी हो गई, तो वो धनावेशित पदार्थ होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई किसी भी पदार्थ में तो वो ऋणावेशित पदार्थ होगा। ठीक है, अगर कमी है इलेक्ट्रॉन की तो धनावेश, धनावेश होगा वो, और अगर वृद्धि हो गई इलेक्ट्रॉन की तो वो ऋणावेशित पदार्थ होगा या ऋणावेश होगा उस पर। ये आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताता है। अब ये देखा गया पूरे के पूरे प्रयोग के आधार पर ये निर्णय लिया गया, ये देखा गया, कई सारे प्रेक्षण किए गए और उनमें ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित तो कर पा रहे हैं लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा रहा है। तो यहां से एक और सिद्धांत हमारे सामने निकल कर आया जिसको हमने कहा विद्युत आवेश का संरक्षण। क्या बोला? आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऐसा हम कह सकते हैं इसको। तो हमारे सामने एक और सिद्धांत सामने आया जिसको हमने कह दिया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है ये सिद्धांत, इसको हम समझते हैं, बारीकी से ध्यान से सुनिएगा। तो ये सिद्धांत ठीक वैसा ही है जैसा हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा या संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक ये भी वही आपको बताता है कि आवेश को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं? केवल केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये तो आवेश से संबंधित बातें हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, एक मूल आवेश है, ये ऋणावेशित होता है। ठीक इसी तरीके से प्रोटॉन भी परमाणु के भीतर है, वो धनावेशित होता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो सकते हैं, तो हम पूरा जो निर्णय लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर ही लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी पदार्थ में गए और उसमें वृद्धि कर दी इलेक्ट्रॉन की, तो वो ऋणावेशित हो जाएगा और पहला वाला जो पदार्थ है वो धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, जैसे आपके पास HCl है, जब ये ब्रेक होगा तो एक बनेगा H पॉजिटिव और दूसरा क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, यानी कि HCl है तो H धनात्मक होगा और Cl जो है ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकला, H में से निकला और Cl की तरफ गया, इसका मतलब H ने त्यागा इलेक्ट्रॉन और Cl को दे दिया है, तो इसका मतलब H क्या हो गया, धनावेशित हो गया और Cl क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हैं। ऐसी NaCl है, कई सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, HBr है, बहुत सारे H2SO4 है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, आप कोई भी उदाहरण इनमें से देख सकते हैं। अब इसकी जो इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, आप नोट कर सकते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, विद्युत आवेश का
ऐसा ही मात्रक कूलम है। ठीक है, अब ये कूलम क्या है इसको हम समझते हैं। तो कूलम एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो जिनके नाम पर, जिनके सम्मान में विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कूलम रख दिया गया। इन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण के बारे में बताया कि दो आवेशों के मध्य कितना बल लगता है। दो अगर धनावेश हैं या ऋणावेश हैं, कैसे भी हैं, उनकी उनकी क्वांटिटी, उनके जो नेचर है, उनका जो प्रकृति है, वो कोई भी हो, उनके क्वांटिटी पर ये डिपेंड करता है, उनके परिमाण पर ये निर्भर करता है कि उन पर उनके बीच कितना बल लगेगा। तो हम सबसे पहले अब समझ लेते हैं कि कूलम का नियम आखिर क्या था। तो इसका आपने ये नोट कर लीजिएगा कि विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कूलम होता है। बात कर लेते हैं कि कूलम का नियम क्या था। ठीक है, कूलम का नियम काफी जरूरी है ये समझना, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये नियम। ठीक है, आवेशों से संबंधित है, उनके बीच लगने वाला जो बल है, विद्युत बल जो होता है, उसका मान कितना होगा, तो वो कूलम ने ही सबसे पहले बताया था। तो 1785 में, लगभग 1785 की बात है, 1785, ठीक है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। पूरा नाम क्या था? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। तो कूलम इनको हम बेसिकली उनके जो सरनेम था उसके नाम से ही जानते हैं। तो कूलम ने क्या कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, में कूलम ने बताया, मैं संक्षेप में लिख देता हूं, आप इसको समझिएगा, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो जिसको हम सम्मिलित रूप से विद्युत बल कहेंगे, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, ठीक है, तब कूलम के नियम के अनुसार दोनों के बीच या दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, यानी कि विद्युत बल है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर डिस्टेंस लॉ भी बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग केस है, वो आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल का मान कम होगा, और जैसे जैसे दूरी हम कम करेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम करेंगे, वैसे वैसे बल अधिक होगा। ठीक है, बल का मान बढ़ेगा। जैसे ही यहां से हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम नियतांक बोलते हैं, तो एक नियतांक आएगा, तो वो नियतांक क्या रख देते हैं हम यहाँ पे, के रख देते हैं। ठीक है, तो एक नियतांक मैं यहाँ पे रख देता हूँ के, तो ये जाएगा एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो ये के है, लिख दीजिएगा यहां पर के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और नियतांक है तो इसका मान भी क्या होगा, निश्चित होगा, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है वो भी आप लिख लीजिएगा। इसको हम साधारणतः 1/4π ε0 से हम प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है लगभग 9×10⁻¹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये लगभग इसका मान होता है। तो आप अगर चाहें तो आप सीधे सीधे जो सूत्र है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एफ बराबर 9×10⁻¹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बराबर 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है विद्युत बल कहलाता है, तो कहीं कहीं इसको एफ ई से भी शो कर देते हैं, तो ये विद्युत बल है, ये कूलम बल भी है, तो एफ सी से भी शो किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी परावैद्युत माध्यम में दोनों आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, कोई भी माध्यम है जो कि वायु नहीं है, निर्वात नहीं है, कोई भी दूसरा माध्यम है, मान लीजिए कि आवेश जो है
वो किसी कांच के टुकड़े के अंदर है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो मान आता है वो एक परावैद्युत नियतांक आता है जिसको हम कैसे शो करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के आता है, कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R2। ये एक सामान्य और जनरल फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे, जहां के क्या है, जहां के आप लिख सकते हैं कि परावैद्युतांक है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, किसका, माध्यम का। तो इतनी छोटी सी बात आज हम डिस्कस करेंगे और इसके आगे हम विद्युत क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया, सब चीजें समझ में आ गई या नहीं आई है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।